आज मेरे पास है ये डिब्बा जिसके अंदर है एक वाईफाई एक्सटेंडर या फिर आप उसको वाईफाई रिपीटर कह सकते हैं। मैंने पहले कभी ऐसा प्रोडक्ट यूज नहीं किया। इसका रिव्यू देखा मिक्स्ड था, कुछ लोग उसको पॉजिटिव बोल देते हैं, कुछ लोग बोलते अच्छा सिग्नल नहीं आ रहा है। तो चलिए इसका डब्बा खोलते हैं और देखते हैं कि ये आखिर में काम करता है या आपका पैसा खाता है। हेलो दोस्तों, मैं जनरल, आप देख रहे हैं जानकारी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे रेड कलर बटन दिखे उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल को भी दबाइए नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये मैंने अमेजन से मंगाया था और लगभग मुझे ये 5000 रुपये पड़ा और ये 3 साल के वारंटी से आता है, देख सकते हैं आप। तो अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ऊपर लिखा है वॉल्स नंबर 1 टिपलिंग। जो मेरा राउटर है वो भी टिपलिंग का है तो मुझे लगा कि अच्छा काम कर रहा है। ये है RE450, ये डुअल बैंड के साथ आता है 2.4 GHz और 5 GHz के बाद साथ अप टू 1115 स्क्वायर फुट कितना इसका रेंज है, आप 1000 स्क्वायर फुट पकड़ सकते हैं। इजी टू सेटअप भाई एथर आप टिपलिंग का जितना भी राउटर है, मॉडम है, जो कुछ भी है सब एथर आप से कंट्रोल होता है। तो इसका डब्बा खोलते हैं। ये हो गया बॉक्स। ये रहे कुछ यूजर मैनुअल, ये है कुछ यूजर मैनुअल और ये रहा इसका मेन रिपीटर। सबको साइड में रखता है, देखने में तो सुंदर है और बहुत बड़ा है। इसका जो ये प्लग है ये लगेगा आपके इलेक्ट्रिक सॉकेट में और ऊपर कुछ जो बटन दिया है, ये ऊपर ये जो बटन है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं कि जब जो आपका जो राउटर का जो वाईफाई सिग्नल है कितना स्ट्रेंथ है, शायद ये ग्रीन रेड और ऑरेंज में आता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। और इसका 3 एंटीना है, 1, 2 और पीछे से इसका एक स्लाइडर है, इसको करके आप 3 एंटीना को इनेबल कर सकते हैं। पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, पता नहीं इधर लिखा है इसका मॉडल और बाकी सब कुछ। ओके, और बाहर आपको 3 ऑप्शन दिखता है, 2.4 GHz, 5 GHz और पावर का 3 लाइट। तो ये रहा बॉक्स। तो लेट्स में आपको 2 बटन दिखेगा, एक बटन है LED का और दूसरा बटन है पावर बटन इसको ऑन ऑफ करने के लिए। तो मैं बताता हूँ इसका काम क्या है। रिपीटर काम यह है, सपोज आपका घर है एक विषय, मेरा ये मेरा ऑफिस रूम है और जो मैं जहाँ बेडरूम है वो थोड़ा दूर है तो वहाँ पे सिग्नल इतना अच्छा नहीं पकड़ पाता, बहुत लो सिग्नल पकड़ता है। तो मैं कभी इधर हिल डुल जाता हूँ तो सिग्नल कट जाता है, इसलिए मैंने मंगाया। क्योंकि रिसेंटली मैं जो बेडरूम और ऑफिस था एक ही रूम में था तो मैंने शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह, तो अभी उस रूम में नहीं आ रहा नेटवर्क, तो इसके वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं सोचा कि इसको मंगा लेता हूँ ताकि मुझे उस रूम में भी इसके ऐसा मुझे सिग्नल मिल सके। तो चलिए मैं उसको सेटअप करता हूँ और देखता हूँ कि आखिर में इसमें सिग्नल ठीक से पकड़ रहा है कि नहीं। इसको सेटअप करना बहुत ही आसान है, जैसे 3 तरीका दिया है, जैसे कि ये है WPS बटन की मदद से, टेथर ऐप से और भाया वेब ब्राउजर। मैं WPS बटन से सेटअप करता हूँ क्योंकि मेरे जो राउटर है उसमें WPS बटन है। अगर आपके राउटर में WPS बटन नहीं है तो आप ये दोनों मेथड यूज कर सकते हैं।
तो पहले आपको ये जो मशीन है, ये जो वाईफाई रिपीटर है, इसको आपको इलेक्ट्रिक पे लगाना है और स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करने के बाद देखिए आपका ये पावर बटन दिखेगा, जब ये ऑन हो जाए फिर आपको अपने राउटर में जाकर जो WPS बटन है उसको प्रेस करना है। इधर है मेरे राउटर का WPS बटन, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये बटन है, इसको मैंने प्रेस कर दिया। इसके प्रेस करते ही 2 मिनट के अंदर आपको आपको जो रिपीटर है उस रिपीटर का ये जो लॉक बटन है उसको प्रेस करना है। ये 2 सेकंड प्रेस करने से ये ऑन हो जाएगा। अब ये ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा, पता नहीं कैसे, पर ऐसा है इसका इंस्ट्रक्शन में लिखा है, तो देखते हैं ये कनेक्ट होता है कि नहीं। WPS बटन से सेटिंग नहीं हो पाया तो मुझे टेथर आपका इस्तेमाल करना पड़ा। ये है मेरा मेन नेटवर्क, देखिए दिखा भी नहीं रहा समटाइम, और ये है 2 नेटवर्क जो कि एक्सटेंडर से आया है, वो बाबा जी 2.4 GHz और बाबा जी 5 GHz, क्योंकि मेरा नेटवर्क जो नाम है वो बाबा जी है। ये देखिए बाबा जी, पहले इधर कनेक्ट करते हैं, मैं दूसरे रूम में हूँ जो सिम नेटवर्क कम आता है, और ये है वाईफाई सिग्नल। ये आप मैंने इंस्टॉल किया है, इस ऐप से हमें पता चल जाएगा कि कितना सिग्नल स्ट्रेंथ आ रहा है। देखिए इधर वाईफाई सिग्नल स्ट्रेंथ दिखा रहा है 3640, और मैं थोड़ा साइड हो जाऊं तो ये कट भी जाता है, तो मैं दूसरे से कनेक्टर देखता हूं जो कि एक्सटेंडर का है। नहीं, पहले इसका थोड़ा स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। स्पीड टेस्ट, ये जो स्पीड टेस्ट है ये ओरिजिनल नेटवर्क का है, दे मुझे अराउंड 4-5 Mbps स्पीड मिलता है, तो देखते हैं इतना सिग्नल लॉस होने के बाद कितना स्पीड मिल रहा है। ये 5.78 इतने के आसपास है इसका स्पीड, तो इसको मैं डिसकनेक्ट करता हूँ और दूसरे से कनेक्ट करता हूँ। अभी मैं बात करके इसका, अभी बाबा जी 5 GHz एक्सटेंशन है, ये कनेक्ट हो गया है। अब इसका सिग्नल स्ट्रेंथ देखते हैं, ये है इसका सिग्नल स्ट्रेंथ, देखिए कितना मस्त सिग्नल स्ट्रेंथ आ रहा है इसका, 85, 88, वो 90% से चला जाता है कभी कभी। और देखते हैं इसका नेटवर्क स्पीड, ये आ गया मैं स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन में, और जो स्पीड है वो लगभग मुझे उतना ही स्पीड मिलता है जितना स्पीड वो, देखिए उससे ज़्यादा स्पीड मुझे मिल रहा है, और मतलब लगभग सेम ही है। तो जो कोई कहते हैं कि एक्सटेंडर से स्पीड कम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सटेंडर से उतना ही स्पीड आता है। अगर आपका एक्सटेंडर खराब है या फिर लो क्वालिटी का है तो अलग बात है, लेकिन ये जो मॉडल है इसमें इसके साथ स्पीड बहुत अच्छा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, आपका सुझाव मुझे कमेंट करिए, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए भी ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले 6 वीडियो में। बाय बाय।